व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। सो गाइस, बहुत ही दिनों बाद वीडियो आ रही है, सॉरी उसके लिए। सो फटाफट से हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो टॉपिक है क्यों हमारे इंडिया में बस एक ही रेलवे है। सो गाइस, अभी ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि गाइस हमारे जो इंडिया में एयरलाइंस है वो सात कंपनीज है, सात अलग अलग कंपनीज, पर हमारे इंडिया में रेलवे बस एक ही है, वो क्यों पता नहीं। पर सो लेट्स स्टार्ट। देखो गाइस, अभी हम मेन पॉइंट पे आते हैं। पहले मैं बताता हूँ हिस्ट्री इंडियन रेलवे की, कि इंडियन रेलवे कब शुरू हुआ था। इंडियन रेलवे शुरू हुआ था ना 1832 में, और वो पहले एक प्राइवेट रेलवे था ऐसे ही, और वो पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता था ग्रेनाइट, जो स्टोन्स होते हैं ना, ग्रेनाइट के स्टोन्स, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता था। उसका बहुत यूज था स्टोन्स ट्रांसपोर्ट, गुड्स कैरियर, एज यू नो, गुड्स कैरियर वैसा कह सकते हो। एंड मतलब उस जमाने में तब ज़्यादा ये पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, मतलब तब बनी नहीं थी पैसेंजर ट्रेन। तो सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन बनी 1853 में, और तब वो बॉम्बई नगरी से थाने तक गई थी। वो भी 34 किलोमीटर का सफर था उसने तय कर लिया, और 400 पैसेंजर्स को लेके गई थी वो, और तब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास थे। तो गाइस, फर्स्ट क्लास की तब टिकट थी 30 पैसा। 30 पैसा भाई, आज के दिन एक पैसा में एक चॉकलेट नहीं आती, तब 30 पैसे में इधर उधर घूम लिया, तब मनी भी बहुत ही ज्यादा हुआ ना। और 16 पैसा सेकेंड क्लास था, थर्ड क्लास 5 पैसा। थर्ड क्लास ही तो होगा वो, थर्ड क्लास, सेकेंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास, तो ऐसा था वो। एंड तब की बात है कि तब 3 इंजन लगाए गए थे जो कि कोयले से चलते थे। सबसे पहला सिंध, सेकेंड सहीब एंड थर्ड सुल्तान, SSS, ट्रिपल एस था, ट्रिपल आर है, ट्रिपल एस, ट्रिपल आर भी एक था। और ये तीन मतलब उसको इंजन लगते थे, मतलब पैसेंजर्स को लेके जाने के लिए, और स्टोन्स और वो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आज के ज़माने में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब व्हीकल्स हो गए और ट्रेन्स भी हो गए, और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी नहीं हो सकते या नहीं पता नहीं। पर और तब 8 कंपनीज उसको हैंडल करती थी, ईस्टर्न इंडियन रेलवे, मद्रास रेलवे, बॉम्बे बड़ौदा इंडियन रेलवे, सेंट्रल इंडियन रेलवे, और फिफ्थ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, और दो हैं जो मतलब हमारे जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब 60% ऑफ रेल्स, मतलब हमारे पास रेलवे आई थी, और 40% पाकिस्तान के। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते जाए गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।